जम्मू कश्मीर के पंपोर में सोमवार सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पूरी रात दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई है। सेना अब यहां निर्णायक कार्रवाई शुरू कर चुकी है। इमारत से रुक रुक कर धमाके की आवाज आ रही है और इसके साथ साथ इमारत से धुआं निकल रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की इमारत से सोमवार को गोलियां चलने की आवाजें सुनी गई थी। इसके बाद बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया। इस फायरिंग में सेना का एक जवान घायल हुआ था। पंपोर में स्थित इस इमारत के अंदर दो या तीन आतंकियों के छिपे होने की खबर आ रही है और खबर मिलते ही सेना ने बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लिया। दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई और इस बीच आतंकियों के खात्मे के लिए बिल्डिंग को भी उड़ाने पर विचार किया गया है। फिलहाल सेना ने मौके पर सख्त घेराबंदी की हुई है। ये तस्वीर आप पंपोर की ही देख रहे हैं। एक शिक्षण संस्थान है ये और इस बिल्डिंग को पहले भी आतंकियों ने निशाना बनाया था और दूसरी बार इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। ईडीआई बिल्डिंग कहते हैं इसे, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। और राहत की बात ये रही कि कोई भी विद्यार्थी यहां मौजूद नहीं था, सिर्फ एक कर्मचारी मौजूद था जिसने जानकारी दी आतंकियों के यहां घुसने की और उसके बाद क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई। अंदर घुसे हुए आतंकियों ने निशाना बनाया और उसके बाद सेना ने यहां पर इस वक्त बड़ी घेराबंदी की हुई है। तो सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत पर बड़े हमले का खतरा लगातार मंडरा रहा है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि कश्मीर घाटी में अभी भी 250 के करीब आतंकी मौजूद हैं और इनमें से आधे से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी हैं। सूत्रों के मुताबिक 250 आतंकियों में से 107 आतंकी स्थानीय कश्मीरी घाटी के बताए जा रहे हैं और ये आतंकी लश्कर, जैश और हिजबुल के हैं। ये आतंकी सर्जिकल स्ट्राइक के पहले से ही घुसपैठ कर चुके हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पावर शेल को और इफेक्टिव बनाया जाएगा। कश्मीर घाटी में पावर शेल के इस्तेमाल के बाद सुरक्षा बलों ने कम इफेक्टिव होने को लेकर सवाल उठाया था। अब गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के टियर यूनिट को और इफेक्टिव पावर शेल बनाने के निर्देश दिए हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खुलासा किया है कि आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब लॉन्चिंग पैड पर घूम रहे हैं। ये आतंकी भारत की नज़रों से बचने के लिए पाक रेंजर्स की वर्दी में घूम रहे हैं और ये भी जानकारी है कि पाकिस्तान में बैठा लश्कर कमांडर साजिद जट उर्फ नोमी बड़े हमले के निर्देश दे रहा है, इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा है।